Hello, good morning everyone. Good morning guys. Today we are going to start the third chapter of physics from class 9th. Already we have discussed about the class 11th and 10th. ठीक है, मैंने आपको class 11th और 10th का already मैं वीडियो दे चुका हूँ. फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी ध्यान रखिएगा. ये क्लास 9th में मैंने आपको दो चैप्टर में पढ़ा रखा था, आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में एंड द सेकेंड चैप्टर. ठीक है, ये क्लास 9th का मैंने आपको थर्ड चैप्टर बता रहा हूँ. ठीक है, दो चैप्टर जो मैंने आपको, दो जो लेक्चर है मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. ये बहुत दिन के बाद मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम क्लास 9th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशन. व्हाट वी आर स्टडी अबाउट? वी आर स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशन. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन किसे कहते हैं. ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ने के पहले हम लोग आपको बता चुका हूँ फोर्स के बारे में. ठीक है, फोर्स किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब सारी मैं वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ. ठीक है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार जाकर. दूसरी बात है कि मैंने वहां बता रखा था आपको कि फोर्स का खोज किसने किया, फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया, न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ये सब सारी मैं क्लियर कर चुका हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ. इस स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बता देता हूँ न्यूटन्स लॉ के बारे में. न्यूटन्स लॉ आखिर है क्या? तो मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉ के बारे में. व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? न्यूटन्स लॉ ने तीन नियम दिया था. कितने नियम दिए थे? थ्री नियम दिए थे. ठीक है, द फर्स्ट लॉ क्या था उसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए सेम पोजिशन इट ऑल्सो कंटिन्यू एज अ सेम पोजिशन. मतलब कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पोजिशन पे रखा हुआ है, अगर वो स्टैटिक पोजिशन में है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो वह हमेशा उसी पोजिशन में रहना चाहेगा. वह कौन से नियम है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है. जैसे कि सपोज आप मूविंग कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, या फिर अगर फैन मूविंग कर रही है, तो फैन अगर हमेशा वो मूविंग कर रहा है, जब तक अगर आप स्विच को ऑफ नहीं करते हो, मतलब फोर्स नहीं लगाते हो, तो फैन क्या करेगा, हमेशा मूव करते रहेगी. तो फैन जब मूव करते रहेगी तो क्या कहेंगे हम, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है. ठीक है, जब सपोज अगर कह सकते हैं, सपोज कोई एक बंदा अगर सोया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम उसको उठाएंगे नहीं, फोर्स नहीं लगाएंगे, तो कौन सी लॉ उस पर है? न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है. लेकिन जैसे उस पर हम उठा देते हैं उसे, ठीक है, मतलब कि उसे उठा देते हैं, जगा देते हैं, या फिर हम फैन को अगर बंद कर देते हैं, तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया. तो फोर्स अप्लाइड करने का मतलब क्या हो गया, न्यूटन्स की सेकंड लॉ. कौन सा है सेकंड लॉ? ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर में बता चुका हूं आपको, फोर्स एंड एक्सीलरेशन वाला. आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फोर्स एंड एक्सीलरेशन फ्रॉम क्लास 9 बाय रणधीर सर के द्वारा. ठीक है, वहां पर से क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, तो आप लोग डिमांड था ये चैप्टर करने के लिए, चैप्टर नंबर थ्री, इसलिए मैं आज बना देता हूं इस पे, है ना. हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन. आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन क्या है. ठीक है, ग्रेविटेशन को हमारी पृथ्वी के द्वारा दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होता है. ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी क्या होता है, फ्री फॉल ग्रेविटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बायोन्सी क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, ये बहुत सारी हम लोगों को पढ़ना है. तो मैंने आपको शॉर्ट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन तो आपको 11th में की जाएगी. जो भी आपको मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 के लिए सही रहेगा यहाँ पे. ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन को. सबसे पहले ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशन कहते किसे, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं. इसका हिंदी क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण. क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण. मतलब कि ये भी क्या है? फोर्स है. ये भी एक फोर्स है. ये भी क्या है? एक फोर्स है. ये दिया किसके द्वारा गया है? आखिर ग्रेविटेशन की लॉ कहां से आई है? तो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्ट पॉइंट है, सबसे पहले हमारे पास कोई फैक्ट पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या की नीचे की ओर गिराए, तो आखिर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर क्यों गिर जाता है, ये भी सोचने वाली बात है. ठीक है, फिर ये देखेंगे हम लोग कि आखिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर क्यों नहीं रह जाता है, नीचे की ओर हमेशा क्यों गिरता है, पृथ्वी की ओर उसे अट्रैक्ट क्यों किया जाता है, तो ये समझेंगे. सपोज हमारे पास एक मास एम है और ये हमारे पास क्या है बाबू? अर्थ है. क्या है? अर्थ है. ठीक है, तो यहां से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया जाता है तो हमेशा क्या करता है? अर्थ अपनी ओर खींच लेता है. अर्थ क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे की ओर ऐसा गिराएंगे तभी उस पर ग्रेविटेशन लगेगा. नहीं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं फिर भी ग्रेविटेशन लग रही है,
फिर भी ग्रेविटेशन लग रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से पकड़े हुए हूं तभी ये क्या हो रही है, यहां पे रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही इसको मैं छोड़ देता हूं तो क्या होता है, नीचे क्यों गिरता है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशन होता है। अगर आप जिस पोजिशन पे बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, सभी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो वह ऑब्जेक्ट क्या करता, हवा में उड़ता। जैसे कि अगर तुम चंद्रमा पे चले जाते हो तो चंद्रमा के सर्फेस पे कभी तुम नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी वेट जो है बहुत कम जाती है। ठीक है, मैं बताऊंगा मास और वेट में क्या अंतर होता है, ठीक है, यहां पे क्लियर मैं करूंगा आपको। तो यहां पे मैंने क्या बता रहा हूं, ग्रेविटेशन की इफेक्ट क्या होती है, क्या आखिर क्यों पढ़ते हैं हम, तो ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सपोज इफ ए ऑब्जेक्ट, इफ ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, देन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाई अर्थ। अगर यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ए ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो हमेशा हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअसली आप इसको माइंड में मेकअप करेंगे। मैं इसको नोट्स लिखवा देता हूं, कुछ नोट्स जो है मैं आपके यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नीचे की ओर गिराया जाता है तो हमेशा अट्रैक्ट बाई अर्थ, मतलब पृथ्वी के द्वारा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींच लिया जाता है। ये कंटिन्यूअसली होता है, हमेशा होता है। दूसरी बात यहां ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज अट्रैक्टेड पावर बिटवीन ऑब्जेक्ट टू अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास अट्रैक्टेड पावर होता है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में। ठीक है, तो इस कंडीशन से, दोनों कंडीशन से हम यही बोल सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड अर्थ, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड अर्थ on any object, then object attract toward earth called gravitational force। मतलब ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आखिर किसे कहा गया, बात समझिएगा यहां पे, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहा गया है। बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, अगर पृथ्वी की ओर अपनी ओर खींचा जाता है, खींच लेता है, अपनी ओर से अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां पर एक फोर्स अप्लाइड होती है। कौन सी फोर्स अप्लाइड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो फेंका जा रहा है, घुमाया जा रहा है, अगर पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स अप्लाइड हुआ है। ये माइंड मेकअप में कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे कुछ कंसेप्शन आ सकता है, आप पूछ सकते हो कि सर कोई जरूरी है क्या कि हमेशा फोर्स नीचे की ओर लगता है। अगर मैं इस प्रकार से यहां पे ऑब्जेक्ट रखता हूं और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपने मैग्नेट के बारे में सुना होगा, एक मैग्नेट यहां पर है, एक मैग्नेट यहां पर है, ओके। अब आपके पास दो चुंबक है, ये दोनों चुंबक को इस प्रकार से रखते हो तो ये क्या करता है, आपस में फोर्स ऐसा कर लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैं क्लियर ये कर देता हूं यहां पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं लगती है, कहां लगती है, बिटवीन टू मासेस के बीच में लगता है।
दो मासेस के बीच में लगता है, दो मासेस, दो मास के बीच में। मैग्नेटिक के पास मास नहीं है, मैग्नेटिक के पास पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है। इलेक्ट्रिसिटी के पास जो है, इलेक्ट्रिसिटी में भी फोर्स लगती है, तभी तो एक दूसरे को शॉक करता है, अटैक करता है वहां पे। तो वहां पे जो फोर्स लगेगी, वहां पे जो फोर्स होता है, कौन सी फोर्स होता है वहां पर, जो फोर्स होता है चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो रही है? यहां पे ग्रेविटेशन वाली जो होती है, यहां पे दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। दो पोल के बीच में फोर्स लगेगा क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। क्लियर हो गया? यहां पे समझ में आ रही है? दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, यहां पे ये सारी जो है इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटेशन है, मैंने अभी आपको स्टार्ट नहीं किया हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने बता दिया हूं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है पृथ्वी द्वारा। ठीक है? तो हमेशा, अब ये देखो माइंड मेकअप कर लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा। मतलब क्या है, ये किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसे आप आराम से लिखते रहिए, वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, पूरे नोट्स को बना लीजिएगा। ठीक है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा ऐसे। वर्टिकल किसे कहते हैं, देखो दो प्लेन होती है, ये वाली जो प्लेन है वाई एक्सिस वाला, इसे बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल होता है, और एक्स एक्सिस वाले को बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। तो दो प्लेन एक्सिस एरिया आपके पास है, ये जो हो गया लिनियर हो गया, क्या हो गया, ये लिनियर हो गया एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये वाली जो परपेंडिकुलर होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वंस अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू बी फ्लैशबैक, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड द अर्थ, when the force is applied toward the earth by the any object, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर बल लगती है, खिंचती है, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा हमेशा दो मास के बीच में लगता है। जैसे ये आपके पास सपोज 5 ग्राम की है, और पृथ्वी तो बहुत उसकी ज्यादा वजन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको छोड़ेंगे तो नीचे की ओर गिरेगा। तो ये इसमें भी मास है, पृथ्वी में भी मास है, इसलिए यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि सर ये नीचे की ओर क्यों गिरी है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी की मास क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसके पास ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है? जैसे अगर हम लोग टग ऑफ वार करते हैं, रस्सा कस्ती वाला खेला खेलते हैं, तो एक साइड में 10 बच्चा है, अब एक साइड में 2 बच्चा है, तो सबसे ज्यादा कौन किसको खींचेगा, तो जिधर की ओर मास ज्यादा है, जिधर की ओर फोर्स ज्यादा लग रही है, वो क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा यार, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगी है ना यार। ठीक है? ये बात समझ में आ गई। जैसे हम कहेंगे सपोज अगर आप छत पे चढ़ जाओ, चढ़ने के बाद क्या करो, एक पेज ले लो, एक पेज कॉपी का एक पेज निकाल लो, और एक किताब निकाल लो, बुक निकाल लो, जिसमें आपको 100 पेज हो, 24 पेज हो, कुछ भी हो, अब दोनों को एक साथ गिराओ, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, बुक गिरेगा, कॉपी गिरेगी। क्यों? क्योंकि बुक के पास बहुत ही ज्यादा पेज है, उसके पास मासेस ज्यादा होती है, तो क्या करेगी, वह नीचे की ओर गिर जाएगी, लेकिन पेज क्या है, फ्लोटिंग करते रहेगा, हमेशा इस प्रकार से मूविंग करते हुए गिरेगा। तो ये ओवरऑल आप समझ लीजिए। और वर्टिकल फोर्स कैसा लगती है, तो सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगती है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, मतलब कि परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है? बस समझ में आ रही है? इसको हटा दे रहा हूं मैं जल्दी। ठीक है? आप इसे, इस लेक्चर को, वीडियो को पॉज करने के बाद आप देख सकते हो, लिख सकते हो, जितने भी नोट्स है ना, समझ में आ रही है बात, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है? अब यहां पे एक बात हमारे पास आती है कि सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वी कैन से एज ए द फोर्स बिटवीन टू मासेस, द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस वी कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग एक बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमारे पूरे यूनिवर्स पे वर्क करता है, पूरे हमारे ब्रह्मांड पे वर्क करता है, सभी जगह एक जैसा सेम लगता है क्या? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या कि सर ग्रेविटेशन के बारे में तो आप बता दिए,
कि ग्रेविटेशन जो होता है ये दो मास पे ही डिपेंड करता है, M1 एंड M2 पे। दूसरी बात आपने बताई कि यह हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अट्रैक्शन होती है, लेकिन क्या ये जो लॉ है हमेशा पूरे यूनिवर्स में एक जैसा लगती है? तो हां, कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर आप ब्रह्मांड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे बोला गया है? तो मैं यहां लिख देता हूं आपको मैं कि एवरी, ठीक है, एवरी पॉइंट देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे क्या पढ़ा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगे भी है, ठीक है, एवरी पॉइंट देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। बात समझ में आ रही है? दूसरी पॉइंट यहां पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो बच्चों, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपके पास सपोज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और है, ओके। इसकी मास यहां पे क्या दे रखा है, m दे रखा है, इसकी मास क्या है यहां पर, m2 है। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब मैं अगर यहां पे फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो इधर से भी एक फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। मतलब कि ये वाली ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाइड हो रही है तो पृथ्वी भी अपनी ओर खींचती है, ये दोनों पे फोर्स अप्लाइड होगी। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है, डी डिस्टेंस है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो वास्तविक सत्य है, यूनिवर्सल लॉ किसे कहा जाता है, वास्तविक सत्य, ठीक है, किसका, ग्रेविटेशनल का। ये क्या कहता है, बोल रहा है किसी भी पॉइंट पे, दुनिया के किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दियर प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस का। मतलब यहां पे ये आ गया कि जितना हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, उतना फोर्स हम दोनों मास के, दोनों जो मास, जैसे कि एक मास यह है, एक मास यह है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस पर भी उतना ही फोर्स लगाऊंगा, इस पर भी उतना ही फोर्स लगाऊंगा, दोनों पे फोर्स मैं क्या लगाऊंगा, सेम लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस पे लगा रहा हूं तो इस पे भी लगाना होगा, तो जितना रेडियस ये घटेगा उतना रेडियस ये भी घटेगा। तो वही कहा गया है कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा, दो मास के गुणनफल के बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। इक्वेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट आ गया, हाँ ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दो मासेस की गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर इस पर मैंने फोर्स अप्लाइड किया, इस पे भी फोर्स अप्लाइड किया, कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट यहां आ गया, कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो क्या डिस्टेंस नहीं घटा, डिस्टेंस घटा है। तो ये भी कुछ आर डिस्टेंस घटा, ये भी आर डिस्टेंस घटा, तो दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों की स्क्वायर डिस्टेंस घटता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली, देखो ये किसका साइन है, इनवर्सली का साइन है, इसे लिखा जाता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इसे आप ले लो दूसरा इक्वेशन। क्या ले लो? दूसरा इक्वेशन ले लो। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये क्लियर हो गया तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ पूछेगा, कभी पूछेगा, या भी पूछ सकता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दो पॉइंट कौन सा है, तो आप सिंपली बोलो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट बोलो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दो लॉ हो गया। लेकिन कभी कभी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर एससी वर्मा दिया रहेगा आपको, ठीक है, वहां पर पूछता है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स क्या है, तो ये वाली लॉ को, ये वाली पॉइंट को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बस क्लियर हो गया है ना, बात समझ में आ गई है। अब ये दोनों के तहत से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, इफ देखो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट यहां करो इनवर्सली, अब ये वाला ले लो तुम एम वन एम टू, ये डिवाइड क्या कर दोगे आर स्क्वायर, ओके ये फॉर्मूला निकल गया थर्ड। अब हम इस तीनों इक्वेशन को हम यहां पे कवर करते हैं, देखिए ये डायरेक्टली और इनवर्सली को ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसे हम एक लोग क्या करेंगे, एक इक्वल टू लेंगे, एक साइन लेंगे हम लोग, तो यहां लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, ये दोनों की जगह पे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं जो जी होता है, कैपिटल जी की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कैपिटल जी यहां पर हो जाएगा एम वन, यहां हो जाएगा एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आपका फॉर्मूला प्रूव, आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, इधर लिख लिए थे मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी, ठीक है, आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब देखिए बच्चों यहां पे एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में बताऊंगा, इसकी यूनिट बताऊंगा आपको, एम वन एंड एम टू क्या है मास है, मास ऑफ एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया मास हो गया, मास की यूनिट क्या होता है केजी होता है, ग्राम होता है, ये आर क्या है, आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, ये क्या रहेगा केजी में रहेगा, इसकी यूनिट हम पता करेंगे अभी, ओके तो देख लीजिए आप जल्दी से लिख लीजिए उधर, आप हो गया। अब देखिए अब हम ये बात करेंगे सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे, ग्रेविटेशनल क्या आपको ये बात पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है बाबू न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, मैंने आपको सेकंड वाली लेक्चर में सेकंड वाले चैप्टर में बता चुका हूं, उसको आप लोग शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पूरा उसको आप लोग फैला दीजिए, ठीक है ध्यान रखिए, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, ये बात आपको पता है। आपको ये भी पता है सेकेंड वाले चैप्टर में कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तुमने तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो क्या है, तो जब तक आप दो चैप्टर को नहीं पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा, वो दोनों लेक्चर को देख लो आप लोग, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं आपको सेकंड वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पर हमारा दूसरा फोर्स है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली तुम बोलना कैपिटल जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये वाली फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला, ये तो फोर्स आपका कॉमन फोर्स है, सेकंड चैप्टर में पढ़ना था आपको, ठीक है तो याद रखिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ओके। अब देखो मुझे फाइंड करना है कि आपके G की वैल्यू क्या होगा, मुझे फाइंड करना है कि आगे जी की यूनिट क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम वन एम टू, ओके। अब यहां से हम जी की वैल्यू निकालेंगे, क्या बन जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन एम टू, ये मेरा क्या निकल गया ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल गया। ठीक है, अगर कभी पूछता है, पूछता नहीं, पूछता ही है, 11th क्लास तक पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बताइए, देखो बाबू फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। यहां आर क्या है, रेडियस, रेडियस या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो क्या लगाएंगे यहां, मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाई मास का क्या होता है केजी, तो कितनी मास है, दो मास है, क्या बन जाएगा केजी स्क्वायर। तो कभी कभी आपके किताब में ऐसा लिखा रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, ये निकल गया यूनिट, किसका यूनिट निकल गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकल गया, या यूनिट निकल गया। एंड दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये किसने दिया था, ये न्यूटन्स ने दिया था, ये न्यूटन्स ने दिया था 1687 में। ठीक है, उन्होंने क्या बोले थे कि कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, दे आर प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बोला था क्या कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दे व्हेन वी आर कोरिलेटेड बिटवीन बाय द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, देन विल गेट एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज एफ, एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, दिस इज नॉट, ये कुछ और नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, एंड जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम वन एम टू इज ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट,